नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने पूछा है कि ये जो डालिया के ट्यूबर्स होते हैं उससे कैसे कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो है डालिया के ट्यूबर्स है, ये पिछले साल हमने स्टोर करके रखे थे। ये भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कैसे स्टोर करते हैं, और ये जो स्टोर करके थे पिछले साल का ट्यूबर्स, ये कैसे आप ग्रो करेंगे, इसमें से जब स्प्राउट निकलेंगे उसके कटिंग कैसे ग्रो करेंगे, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है। ये जो ट्यूबर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्यूबर वो नीचे की तरफ डालेंगे और ऊपर की तरफ जो स्प्राउट्स निकले ये आपको मिट्टी के ऊपर रखना है। और इसमें जो सॉइल मिक्स लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। गार्डन सॉइल, सूखी अच्छी क्वालिटी गार्डन सॉइल लेना है 70%, और 30% कंपोस्ट लेना है। तो ये जो चिप्स है, ये छेद है नीचे के, मैं चिप्स से बंद कर देता हूँ। और गार्डन सॉइल लेंगे तो बिल्कुल साफ़ और सूखी होनी चाहिए, और अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट ले लें 30%, और इसको अच्छी तरह से मिला लें आप। और ये देखिए मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ, और ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए पहले। और ये मैंने 8 से 8 इंच के गमले लिए हैं, दो आप छोटे या बड़े भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अच्छी तरह से मिले, ये करेंगे आप अगस्त और सितंबर महीने में। ये मैं मिट्टी भर रहा हूँ गमले में, करीब आधी आप गमले में इसको मिट्टी भर दीजिए इसको पहले। पहले के बाद हम उसमें कुछ मिक्सचर फर्टिलाइज़र डालेंगे। मिक्सचर फर्टिलाइज़र बाज़ार में मिल जाते हैं पैकेट में, 1 किलो की पैकेट में मिल जाते हैं मिक्सचर फर्टिलाइज़र, उसमें 7-8 सामान मिला होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले तो हम लोग गमले में आधी मिट्टी भरी, अब ये जो है मिक्सचर फर्टिलाइज़र मैं डालूंगा इसमें। करीब एक मुट्ठी भर मिक्सचर फर्टिलाइज़र एक एक पॉट में डाल दूंगा। और मिक्सचर फर्टिलाइजर में बोन मिल है, हॉर्न मिल है, मास्टर्ड के गए, नीम के गए, सुपर फॉस्फेट है, सुफोला एनपी के, ये करके 7-8 सामान मिला के ये लोग बनाते हैं मिक्सचर फर्टिलाइजर, नर्सरी में मिल जाते हैं आपको पैकेट में। उसका एक एक मुट्ठी डाल देंगे, उसके बाद फिर सॉइल मिक्स फिर से डाल देंगे, ताकि वो जो बल्ब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है मिक्सचर फर्टिलाइजर। और ये अब इसके में ये जो बल्ब्स हैं, ये बल्ब्स को जो रूट का पोर्शन है, जो कंद का पोर्शन वो नीचे डालूंगा, और स्टेम का पोर्शन ऊपर रख के हमको उसके ऊपर मिट्टी से इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। स्टेम बिल्कुल मिट्टी का ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे पौधे के, और ट्यूबर जो होगा वो मिट्टी के नीचे होगा। और ये जो है, ये देखिए मैं दूसरा एक स्टेम, ये जो ट्यूबर है जो ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, अच्छी तरह से दबा दें इसको मिट्टी के नीचे। और ये जो है ओरेक है ट्यूबर, इससे ब्रांचेस निकल रही है, मैं ट्यूबर को मिट्टी, ट्यूबर छोटे हो या बड़े हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 से 1.5 महीने में सारे ब्रांचेस आप निकलेंगे, और ऊपर जो मेन ब्रांचेस निकलेगा उसको प्रूनिंग कर देंगे, उसके बाद बहुत सारे 8-10-12 ब्रांचेस निकलेंगे उसका आप कटिंग कर लेंगे, उसका ग्रो कर लेंगे। इसमें पानी डाल दीजिए अच्छी तरह से, और ये हर एक दिन, 2 दिन 3 दिन बाद पानी डालते रहें बिल्कुल जब सूख जाए। और ये पौधा आपको सेमी शेड में रखिए, और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे, मैं एक दिखाता हूँ दूसरी जगह हमने कर रखा है 2 महीने पहले ग्रो किया, चलिए मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ, कहाँ पर ये दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ से कैसे ब्रांच निकले हैं मैं तो आपको दिखाता हूँ वहाँ पर, चलिए। ये देखिए आपको यहाँ पर जो पोर्शन है, यहाँ पर बहुत सारे गमले में 2 महीने पहले ट्यूबर्स लगाए हुए थे, और इसमें से 2 बार तो ऑलरेडी हार्वेस्ट कर दिए हैं इसके ब्रांचेस। ये देखिए यहाँ पर से पहले बार कटिंग किया था, इसमें से काफ़ी सारे ब्रांचेस और भी निकल आए, एक एक पौधे में से 7-8 करके ब्रांचेस और भी निकल आए। और ये 3 से 4 इंच के जो लंबे हो गए हैं, इसको हम ब्लेड से काट लेंगे नीचे की तरफ से, और ये 3-4 इंच के लंबा होना चाहिए ये जो ब्रांच है, हमने एक एक करके खरीदे थे। ये करेंगे आप सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से शुरू करके सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक, या नवंबर के 15 तारीख तक ये कर सकते हैं कटिंग आप, क्योंकि बाद में फिर देरी हो जाएगी उसके बाद करने से थोड़ी सी, क्योंकि हल्के टोटल नवंबर तक आप कर सकते हैं। और ये सारे मैं कटिंग ले लेता हूँ, करीब 15-20 कटिंग मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो बापादित्य हाजरा की नर्सरी, ये नर्सरी बापादित्य हाजरा की, बहुत अच्छे ये स्पेशलिस्ट हैं ये डालिया कटिंग्स पे, काफ़ी सारे स्पेशल वेराइटीज़ के यहाँ मिलती है, तो मैं इसी नर्सरी मैंने चुना कि यहाँ पर इसी कटिंग आपको दिखाया जाए। और ये देखिए मैं एक एक करके कटिंग ले लेता हूँ आपको बिल्कुल सफाई से। और यहाँ पर बहुत तरह तरह के डालिया है इनके पास, बहुत उम्दा क्वालिटी के डालिया इनके पास होते हैं थोड़े, तो चलिए मैं आपको ये जो कटिंग्स है वो ग्रो करके दिखाता हूँ मैं, चलिए चलिए दिखाता हूँ मैं। एक एक करके मैं कटिंग ले लेता हूँ थोड़ा थोड़ा,
तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर कटिंग, और ये कटिंग मैंने साथ साथ ही ग्रो करूँगा इसको, और ये एक करके जो नीचे के स्टेम है इकट्ठा मैं इसको जमा कर लेता हूँ चार पाँच। तो चार पाँच जमा करने के बाद इसके जो निचला हिस्सा है उसको थोड़ा पानी में भिगो लूँगा। पानी में भिगोने का कारण क्या है कि हम इसमें रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाएंगे। ये रूटिंग पाउडर परमान ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये है प्रोटेक्स वन लगा सकते हैं, रूटेक्स लगा सकते हैं आप, कटिंग एड यूज कर सकते हैं या रूटेक्स यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको मिल जाए। फास्ट रूट यूज कर सकते हैं कोई भी आपको, मुझे सेराडिक्स भी मिल जाता है बाजार में, कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर यूज कर ले। ऐसे आप इसको निचले हिस्से में इसको लगा लें अच्छी तरह से रूटिंग हार्मोन पाउडर, और इसको हम लगाएंगे रेत में जो रिवर सैंड होती है बिल्कुल साफ सुथरी रिवर सैंड, छोटे छोटे छेद कर लें और उसमें उसको दबा दें, उंगली से दबा दें उसको। उंगली से दबाने के बाद इसकी इस तरह से आप रख देंगे, इसमें थोड़े थोड़े पानी देते रहेंगे हर एक दिन दो दिन बाद बाद, और सेमी शेड में रख देंगे इस चीज़ को, और ये 12 से 15 दिन में बिल्कुल आपके रूट्स ग्रो हो जाएंगे, और ग्रो होने के बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे छोटे पॉट में, और फिर इसको बड़ा पॉट में आपका कटिंग्स बिल्कुल लग जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका। ये देखिए काफ़ी सारे हमने 12 दिन पहले लगाए थे, और ये 12 दिन लगाने के बाद ये देखिए काफ़ी सारे रूट्स भी इसमें ग्रो कर गई है। तो ये 12 दिन से 15 दिन में आपकी बिल्कुल कटिंग तैयार हो जाएगी, और आप सैकड़ों कटिंग एक एक ट्यूबर से आप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक एक ट्यूबर से अंदर 4-5 साइकिल में आप हर बार बहुत सारे करके कटिंग ले सकते हैं। तो ये है, और ये देखिए मैंने ग्रो किया था 12-14 दिन पहले। अब मैं इसको से निकाल के दिखाता हूँ क्या स्थिति है। ये देखिए काफ़ी सारे रूट हो गए हैं इसमें, और बहुत आसान तरीका, आप आपके घर में आराम से डालिया की कोई भी वैरायटी और कटिंग ले सकते हैं, या फिर यार दोस्त के कहीं पर घर में कहीं पर आपके कोई पौधा मिल जाए उसके से भी कटिंग ले आए, और आप आराम से डालिया का पौधा आराम से कर सकते हैं। डालिया बहुत आसान है, बहुत अच्छा फूल होता है। यह मैंने नीचे से भिगो दिया ताकि रेत इसमें से निकल जाए, और इसको मैं 1 इंच के पॉट में, या आप चाहे तो 2 या 3 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ मिट्टी में हम इसको पॉट कर देंगे ताकि इसको अच्छी तरह से ये जम जाए एक बार पौधा, उसके बाद हम इसको 8 इंच या 10 इंच या पौधे में पॉट में या फिर डायरेक्ट गार्डन में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। डालिया के मैं आपको बता दूँ बिल्कुल धूप चाहिए इसको अच्छी तरह से, जहाँ पर लगाएंगे आप डालिया उसको अच्छी तरह से धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। फर्टिलाइजर तो हमने जो भी है हम देंगे, कॉम्पोस्ट देंगे, कॉम्पोस्ट मेनली इसमें कॉम्पोस्ट ही यूज होता है, और बहुत आसान है डालिया को ग्रो करना। और बहुत तरह के सैकड़ों वैरायटी के डालिया मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं उसमें, और फूल भी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना तक टिक जाता है एक फूल। तो बहुत अच्छा फूल है ये, बापादित्य हाजरा की नर्सरी है बकराहट एरिया में 24 परगना दक्षिण 24 परगना में। ये देखिए कितना सारा कटिंग उन्होंने ग्रो कर रखा है, और ये देखिए कटिंग सारे तैयार है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा तरीका आपको, और अगले साल में और कुछ दिन बाद में वीडियो अपलोड करूँगा कैसे ट्यूबर को सेव करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चाहते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको वीडियो को, और आप इस गार्डनिंग में पैसे हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे चल के आपको बहुत सारे वीडियो बहुत बारे में देने बताने जा रहा हूँ, और आपको इस चैनल में आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल में आते रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। धन्यवाद।